खाकर सजने आए नवाल इन्हों की जद भी कह गई तो मैं नीवे था बिठा ले बताओ उनका शेड्यूल बताओ मेरी गल सुन लो प्रमोटर साहब मेरे मोकल दे कोल एक मिनट का टाइम नहीं रियाज का भी पैसा लै रहे ने अगले आवासी का पैसा मशहूरियां का पैसा गली च निकलदे ता पैसा पहले तो जी मैं माशाल्लाह भी डेढ़ घंटे की एक शॉर्ट मूवी कंप्लीट की है माशाल्लाह जिसका हीरो भी मैं और पूरी जो फिल्म का जो फोकस है वो मेरे ऊपर सरगम याद करती है गाला च भी सरगम निच मार लगे ओ सरगम निच मार दे इंग्लिश मूविया दे विच मेरे बॉस का म्यूजिक आ रहा मूवी का नाम है द कूड मैन की द कूड मैन चार सॉन्ग ले एंजेलिना जूली है जी हाँ जी एंजेलिना जूली आ उहदे ते गाना पिक्चराइज होएगा ते बॉस पिछे कहणगे जे जो झंडा है ये जो झंडा है वो सारा गाना पिक्चराइज होएगा तुसी ये देखो कि मैं हर बंदे ने नगमा गाया झंडे का जिक्र किया डंडे का किने दसिया मेरे बॉस ने दसिया मेरे मौके ने दसिया डंडे की कोई अहमियत नहीं बस कर दे एडा तू प्रमोटर वो हले मुल्क आजाद होना जेदे ठीपे ते इन्हां दी तस्वीर बननी है सर आप बोल नहीं रहे कब से सवाल एक पूछना चाहता सी कि मेरा पोतरा आया एक निका जिया वो जिद बड़ी करदा है दम कर देणगे उन सर जो म्यूजिक होता है ना हाँ इससे भी किसी दौर में बल्कि आज भी अगर कोई चाहे इससे भी इलाज होता था आपको पता है ओ इन्ना नाल ते मरीज होंदा है लोकी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਚਾਚੇ ਖਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਇਨਕਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਇਨਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਚਾ ਚਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚਾਪ ਲਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਸੜ ਜਾਣਾ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਰ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 3500 ਰੁਪਈਆ ਰਾਤੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3500 ਰੁਪਏ ਚ ਹਾਂਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਗ ਚਿਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੈਦਲ यार ये आप ये दे रहे हैं आपका अपना ये हाल है आपने आवाम के बच्चों को जो म्यूजिक का क्या आपने देना है उसको सिखाना है भाई जी गाना असल दे विच हक हलाल दी चीज होंदी है इनू भावे तुसी करोड़ों रुपया च लै जाओ लेकिन हक हलाल दा गाना वोकैबुलरी तो मेरा सर देखते हैं अच्छा आप कुछ कह के कुछ गा के सुनाए कुछ थोड़ा बहुत मैं देखो जी ऐ सुनना जी काकर सजने इन्हों की जद भी कह गई तो मैं नीवे था बिठा ले अच्छा हमने कहना ही क्यों है हमें जरूरत क्या है एक बंदे की अपनी प्रोडक्ट वो चल रही है वो अपनी लॉन्च कर रहा है वो आपकी क्यों कहे और आपका अपना भी नहीं है ये भी आप किसी की कॉपी कर रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं चाहे एबीसी चाहे अलीबे चाहे 17-18-19 जो भी है एक सर सवाल मैं थोड़े को पूछांगा जे मैं उठ के लोगों को कहूं कि मैं पठान या लोकी मान लेंगे दसो ये उठ के कही जाते कि मैं सिंगर हाँ लोकी मनी जाते भाई उनके ये आपकी बात नहीं है दुनिया मानती है यहां पे कैसे बैठ गए ऐनी बैठ के आ गए मतलब इतने इतने कुछ नहीं था यहां पे बैठ गए रोज टाइम बताओ उनका शेड्यूल बताओ मेरी गल सुन लो प्रमोटर साहब मेरे मोकल दे कोल एक मिनट का टाइम नहीं रियाज का भी पैसा लै रहे ने अगले आवासी का पैसा मशहूरियां का पैसा गली च निकल दे ता पैसा की फायदा इहो जे पैसे दा जे रंग रूप ही नहीं सही करा सके अच्छा तुसी कह रहे हो हां जी मैं अच्छा जी सर सर अब आप मैं सबसे पहले मैं उनका जवाब दी पहले तो जी मैं माशाल्लाह अभी डेढ़ घंटे की एक शॉर्ट मूवी कंप्लीट की है माशाल्लाह जिसका हीरो भी मैं और पूरी जो फिल्म का जो फोकस है वो मेरे ऊपर गल करनी चाहूंगा छोटी जी अपने मौके लो इंग्लिश मूविया दे विच मेरे बॉस का म्यूजिक आ रहा मूवी का नाम है द कूड मैन की द कूड मैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌਂਗ ਲੈ ਐਂਜੇਲਿਨਾ ਜੂਲੀ ਆ ਜੀ
अजलीना यूलिया उसके तो गाना पिक्चराइज होगा तो बॉस पिछे कहेंगे ये जो झंडा है ये जो झंडा है वो सारा गाना पिक्चराइज होगा। तुम ये देखो कि मैं हर बंदे ने नगमा गाया झंडे का जिक्र किया डंडे का किने दसिया मेरे बॉस ने दसिया मेरे मौके ने दसिया डंडे की कोई अहमियत नहीं बस कर दे एडा तू प्रमोटर वो हले मुल्क आजाद होना जेदे ठीपे ते इन्हां दी तस्वीर बननी है यार ये आप ना बदतमीजी कर रहे हैं मेरे खान साहब नाल भी बदतमीजी हो रही है सुरा नाल बदतमीजी हो रही है सी बर्दाश्त करन दे देखो नाले हीरो आंडा कैसे ओदे बाल दे सराहने दी झल रहंदी है कसमे यार ये खान साहब मेरी बात नहीं तो फिर हीरो भी ओनु लेंदे सी पर तेरा बेड़ा गर्क होना ओए मेरी गल सुनो तुसी डरो उस वक्त तो जदों सारे गवा पा दे विच दादा दादा लोकां ने कहना इहनां नूं की कहना दादा दादा ओ कहना अच्छा जी बात ये है अच्छा पहले आप जवाब सुन ले मेरी बात कोई नहीं बोलेगा जी बात ये है पिछले 300 साल में किसी म्यूजिशियन ने किसी सिंगर ने किसी राइटर ने कोई राग ईजाद नहीं किया आने वाली नस्लों के लिए कि वो ईजी हो जाए। आपको पता है कि जो जो पुराने जी राग हैं वो तकरीबन 350 से ऊपर हैं तो सिर्फ आप 2-3 नाम ही याद कर सकते हैं तो जो आजकल की नई जनरेशन है वो तो याद कर ही जी नहीं सकती। मैंने सिर्फ जी 2 राग जी सीखे तो मैंने कहा जी बस मैं खुद मैं मेहनत जी करूँगा तो अब मैं राग इस वजह से मैंने जी लॉन्च कर रहा हूँ एक जी कर दिया राग मोहब्बत कितना ईजी नाम है हर एक को याद पहली ही दफ़ा जी हो गया कि राग मोहब्बत फिर उसके बाद और जी 10 राग आ रहे हैं की बात काट रहा हूँ जी जी मैं आप ये कह रहे हैं कि वो 350 राग हैं और फिर हाँ वो ऐसे तो कुछ नया होना चाहिए जी हाँ अच्छा खान साहब नुसरत साहब ने भी मेरे ख्याल में कोई राग नहीं ईजाद किया आपको बताऊं ये हम फन करते हैं लेकिन ये सवाल जो है बिल्कुल सीरियस करने लगा हूं सर से कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पहले हैं पहले हम वो सीख लें जब हमें वो सारे राग आ जाएं फिर हम नया करें। ये तो वो बात है कि पिछले जो हैं जो बने हुए हैं जिन पे खुसार नुसरत अली खान ने गाया उसा गुलाम अली बड़े गुलाम अली सब ने गाया वो हम नहीं गा रहे उनको नहीं कर रहे हम अपना बना रहे तो क्या पहले वाले पहले याद नहीं कर लेने चाहिए। पता क्या वो इतने ज्यादा हैं आप याद कर ही नहीं सकते आपको उनके नाम ही याद जी आप नहीं रख सकते आप तो नाम याद है जी नहीं जी मैंने जी देखे 8 सालों में सिर्फ 2 राग सीखे उसके बाद मैंने कहा जी बस अब मैंने अपनी मेहनत कर ली है मैंने मेहनत की दिन रात मेहनत की तो अल्लाह का शुक्र मैं यहाँ तक आ गया मुझे समझ आ गया। पिछले 1.5 साल में मैंने 20 ट्रैक अपने रिलीज कर दिए हैं उसमें से 9 माशाल्लाह हिट हो गए। तो आपने आपने अपने राग बना के अपनी एक म्यूजिक अपना बना लिया जी हाँ जी जैसे जी जानी भाई एक मिसाल के तौर पर जैसे है उस्ताद मरहूम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब वो जिस सरगम बहुत ज़्यादा करते थे जी जी। हर दूसरी तीसरी कवाली में उनकी सरगम होती थी तो मैंने माशाल्लाह गाने में भी सरगम शुरू कर दी और उसके बाद कवाली में भी इवन के मेरी कोशिश है कि गज़ल में भी मेरी जी सरगम आए और मैंने सरगम ईजाद ठीक है अब जैसे है जी के उनित खैर मंगा उनित खैर मंगा उनित खैर मंगा उनित 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 खैर मंगा अनित अनित खैर मंगा सोने या मैं तेरी अलबे पेते से अलबे पेते से अलबे पेते से जिनसे अनित खैर मंगा अनित खैर ये देखें एक नई चीज और खास तौर पे ये चीज ध्यान में रखें कि जो छोटे बच्चे हैं वो मेरा म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मैं उनको भी इंटरटेन कर रहा हूँ। एक 18 साल के मेल फीमेल वो भी इंटरटेन हो रहे हैं 25 साल वाले 35 साल वाले 45 साल वाले और 55 साल वाले भी इंटरटेन हो रहे हैं। की जगह यार सर सर मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि मेरे मोकले इन्ना कह लो कि सरगम याद करती है गाच भी सरगम निच मार लेंगे वो सरगम ऐ निच मार दे अलग हर शह करते हैं। अच्छा ये आपको काफ़ी सहाता होगा मैंने